यहाँ पे आयोजकों के मुताबिक लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोग आने की संभावना है। और जो ये क्षेत्र है बहुत ही खूबसूरत है, हंसल प्लाजा के सामने चल रही है। चला जाएगा, निकल गया आगे। हाँ ये है, सजाया जा रहा है। आलते बनाए जा रहे हैं, रंगोली बनाई जा रही है। नहीं मैं बोला आपको, आप जाएंगे ड्यूटी पे तो आपको वहाँ पे पता चलता क्या? तो काम पर चले यहाँ पे आया था ना, पर्पल वो ठीक है, ये करेंगे। अरे ये जैसे पत्तियों जैसे तो ऑरेंज यार, इधर आओ बेटा, ये हमारी बहनें रंगोली सजा रही हैं। एक स्माइल की दरखास्त है। राजीव जी अपनी सीट पर पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए और विवेक जी ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं। आप सब भाइयों के कंधे भाई श्रीमाद्री ने कार्य डाला है, जिन्हें बखूबी निभा रहे हैं। इतना बड़ा हॉल है, लगभग 2.5 से 3 हज़ार लोग बैठ सकते हैं। बाकी देखते हैं श्रीमाद्री किन किन को भेजती हैं। ये खाने का अरेंजमेंट है, भोजन की व्यवस्था, कम से कम 1,000-1,500 लोग आराम से खड़े होकर खाना खा सकते हैं। हालांकि लुधियाना में सहयोगी की संख्या कम है पर हृदय बहुत विशाल है। पंजाब में ये रिहर्सल चल रही है, प्रैक्टिस। ये हमारी ज्योति बहन संचालन कर रही है स्टेज प्रोग्राम का। हवन होने वाला है 11:30 बजे, और अभी सब लोग रथ यात्रा में शामिल हैं। मुस्कुरा
रही हैं शिमाता जी ट्रेन से, कह रही हैं आ गए मेरे बच्चे, यहाँ बुलाती हूँ, भाग के पहुँच जाते हैं। जी आने लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर हॉल मिला है तुम्हारा पैलेस। खाने पीने का खूबसूरत जगह, उतना ही सुंदर अरेंजमेंट। सवारी का माँ की सवारी आने वाली है।
की पालकी आ रही है। Thank you.
पीती भी सी तनु मैं चीनी वाली है मैं तो चीनी वाली है।